हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस बीए पार्ट टू। टुडे आवर टॉपिक इज मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, विस्थापन का अर्थ तथा प्रकार। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? विस्थापन का अर्थ एवं प्रकार। ओके, शाब्दिक रूप से विस्थापन का अर्थ है अपने मूल स्थान से अलग होना। इससे स्पष्ट है कि जब कुछ विशेष दशाओं के कारण कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों को उस स्थान से वंचित होना पड़ता है जो उनकी आवास या आजीविका का केंद्र रहा है, तब इसी दशा को हम विस्थापन की दशा कहते हैं। ओके, सभ्यता के आरंभिक काल से ही विभिन्न मानव समूहों ने उन स्थानों पर बसना शुरू कर दिया जहाँ की भूमि उपजाऊ थी, जहाँ पानी की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थी। इसी कारण अधिकांश मानव अधिवास ह्यूमन सेटलमेंट्स छोटी बड़ी नदियों के किनारे बाली भूमियों पर स्थापित हुए। सभ्यता के आरंभिक काल से ही मनुष्यों के सामने विस्थापन की समस्या किसी न किसी रूप में बनी रही। ओके, उदाहरण के लिए नदियों में बाढ़ आना, अतिवृष्टि के कारण क्षेत्रों में पानी भरना, किसी क्षेत्र में महामारी का प्रकोप होना, जंगली जानवरों का आतंक बढ़ना एक बड़ी समस्या में लोगों को अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाकर बसना पड़ा। ऐसी सभी दशाएं प्राकृतिक विस्थापन के रूप को स्पष्ट करती हैं। ओके, अब विस्थापन का दूसरा रूप है। विस्थापन का दूसरा रूप कौन सा है? जिसमें एक विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों को अपने मूल स्थान से इसलिए वंचित होना पड़ता है क्योंकि ऐसी सभी दशाएं जिसमें एक प्राकृतिक विस्थापन के रूप को स्पष्ट करती हैं। और दूसरा रूप क्या है इसमें? जिसमें एक विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों को अपने मूल स्थान से इसलिए वंचित होना पड़ता है क्योंकि उनकी भूमि या क्षेत्र का उपयोग किसी विकास कार्य के लिए करना आवश्यक समझा जाने लगता है। इस दशा में सरकार द्वारा उन्हें अपनी भूमि की मामूली कीमत देकर भूमि से वंचित कर दिया जाता है और इसे हम विकास से उत्पन्न विस्थापन कहते हैं। इसी कारण पूरी तरह मानवीय होता है। इसका कारण क्या होता है? पूरी तरह मानवीय होता है, प्राकृतिक नहीं होता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विस्थापन और प्रवास दो भिन्न दशाएं हैं। ओके, विस्थापन की तरह प्रवास की भी दशा में भी व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है अथवा आजीविका के परंपरागत तरीके को छोड़कर किसी नए कार्य का व्यवसाय द्वारा आजीविका उपार्जित करने लगता है। इसके बाद भी प्रवास की प्रकृति ऐच्छिक होती है। व्यक्ति अपनी इच्छा से एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में, गांव से नगर की ओर प्रवास करता है। इसे प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। दूसरी ओर विस्थापन की प्रकृति बाध्यकारी होती है। उदाहरण के लिए जब किसी स्थान पर बांध बनाना, कारखाने बनाना, नहरें बनाना, सड़कों का निर्माण करना हजारों एकड़ भूमि की जरूरत होती है तो उस क्षेत्र में आने वाले कितने ही गांव के लोगों को अपना गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाकर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि जरूर मिलती है लेकिन अपने मूल स्थान पर रहना ना रहना उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं रह जाता। इसी तरह जब किसी देश की सरकार द्वारा एक विशेष धर्म या संस्कृति के लोगों से भेदभाव का व्यवहार किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, तो उन्हें अपना मूल स्थान छोड़कर समीपवर्ती देश में जाकर शरण लेनी पड़ती है। स्पष्ट है कि प्रवास स्थान परिवर्तन का ऐच्छिक रूप है जबकि विस्थापन स्थान परिवर्तन से संबंधित विवशता या मजबूरी की दशा को
दर्शाती है। ओके, अब है विस्थापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के प्रकार। ओके, विभिन्न दशाओं के विस्थापन के लिए अनेक दशाएं उत्तरदायी होती हैं। विस्थापन का कारण कभी प्राकृतिक संकट होते हैं तो कभी आर्थिक दशाओं में उतार चढ़ाव। ओके, जिसमें लोगों को अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने के लिए विवश होना पड़ता है। आतंकवादी गतिविधियों के फलस्वरूप जहां एक विशेष समुदाय के लोगों को अपना घर और संपत्ति छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने के लिए विवश होना पड़ता है। किसी क्षेत्र में बड़े बड़े बांधों या कारखानों की स्थापना होती है अथवा सड़कों या नहरों का निर्माण होता है तो भी काफ़ी लोगों को अपने परंपरागत निवास स्थान से वंचित होना पड़ता है। विभिन्न कारणों के आधार पर विस्थापन के कुछ प्रमुख रूपों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। ओके, तो देयर इज द टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट है नेचुरल डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड है पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट, थर्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है टेररिस्टिक डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट है डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट एंड सामाजिक विस्थापन सोशल डिस्प्लेसमेंट। दीज आर द ऑल टाइप्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फर्स्ट आता है आपका नेचुरल डिस्प्लेसमेंट, जिसे बोलते हैं नेचुरल प्राकृतिक विस्थापन। यह विस्थापन का सबसे प्रारंभिक और सार्वभौमिक रूप है। सभ्यता के प्रारंभिक समय से लेकर आज तक के किसी भी क्षेत्र में जब बाढ़, अकाल, भूकंप, महामारी, ज्वालामुखी फटने से जो भी संकट पैदा होता है तो एक बड़ी संख्या में लोग अपने मूल स्थान से विस्थापित हो जाते हैं। जिन क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बनी रहती है वहाँ के निवासी बार बार स्थान परिवर्तन करके भिन्न भिन्न तरीकों से आजीविका उपार्जित करते हैं। हाल में ही उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के जबलपुर, गुजरात में कच्छ, भुज के क्षेत्र, लातूर में आने वाले भूकंप से जान माल की इतनी हानि हुई कि लाखों लोग पूरी तरह विस्थापित हो गए। ओके, अब नेक्स्ट औद्योगिक विस्थापन, इंडस्ट्रियल डिस्प्लेसमेंट। यह विस्थापन का वह रूप है जो आर्थिक संकट के कारण पैदा होता है। एक विशेष अवधि में जब आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो जाता है तो उद्योगों को बहुत बड़ी हानि होने से सैकड़ों कारखाने बंद हो जाते हैं। इससे बेरोजगार श्रमिकों को आजीविका के लिए दूसरे स्थानों पर जाकर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। गाँव में कुटीर उद्योगों का पतन होने से एक बड़ी संख्या में ग्रामीण कारीगरों को अपना पैतृक स्थान छोड़कर आजीविका की तलाश में नगरों में जाकर रहना पड़ता है। गाँव में जनसंख्या बढ़ने से एक परिवार की कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है तो इससे पैदा होने वाले विस्थापन को आर्थिक विस्थापन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका राजनीतिक विस्थापन। राजनीतिक विस्थापन ऐसा विस्थापन है, राजनीतिक विस्थापन, जिसमें किसी देश में जब राजनीतिक उथल पुथल होती है तो एक बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच देश का जब विभाजन हुआ था उसके फलस्वरूप दोनों देशों में विस्थापन की समस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सन 1974 में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जब बांग्लादेश के शासन पर कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ने लगा तो नियोजित रूप से एक बड़ी संख्या हिंदुओं को प्रताड़ित करके भारत में प्रवेश करने के लिए बाध्य किया जाने लगा। मतलब बड़ी संख्या में हिंदुओं को प्रताड़ित करके भारत में प्रवेश करने के लिए बाध्य किया जाने लगा। ओके, किसी देश में जब कोई राजनीतिक क्रांति होती है तो क्रांति में सहयोग न करने वाले लोगों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा होने लगता है। रूस और चीन की राजनीतिक क्रांति के समय एक बड़ी संख्या में लोगों को अपना देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। नेक्स्ट है सामाजिक विस्थापन। यदि विस्थापन की दशा कुछ सामाजिक कारणों से उत्पन्न होती है तो उसे सामाजिक विस्थापन भी कहा जाता है। ओके, एस सी दुबे के अनुसार और एम एन श्रीनिवास ने भारत के ग्रामीण जीवन का अध्ययन करते हुए ये स्पष्ट किया है कि आज भी अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जातियों, दलित जातियों के लोगों को समान अधिकार देने के पक्ष में
नहीं है। ओके, बहुत से शक्तिशाली जातियां जैसे डोमिनेंट कास्ट के उत्पीड़न से बचने के लिए स्वयं अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे गांव और नगर में जाकर बसने लगती हैं, और अंतरजातीय तनावों से भी सामाजिक विस्थापन को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है आतंकवादी विस्थापन। यह विस्थापन का नया रूप है जिसका आरंभ सन 1980 के दशक में हुआ, जब एक विशेष देश अथवा समुदाय द्वारा नियोजित रूप से किसी क्षेत्र में हिंसक गतिविधियों के द्वारा लोगों में आतंक पैदा करके उन्हें किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने को बाध्य किया जाने लगा। ओके, तब हम इसे आतंकवादी विस्थापन कहते हैं। अब नेक्स्ट है विकास जनित विस्थापन, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। यह विस्थापन सबसे व्यापक है जो विकासशील देशों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों का परिणाम है। किसी देश में आर्थिक विकास के लिए जब लाखों हेक्टेयर भूमि की जरूरत होती है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग विस्थापित हो जाते हैं। प्रस्तुत विवेचन में हमारा उद्देश्य विकास जनित विस्थापन की प्रकृति तथा इसके विभिन्न परिणामों को स्पष्ट करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें विकास से उत्पन्न विस्थापन की समस्या। ओके, विकास से उत्पन्न विस्थापन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।